जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इसमें हम हैं सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस और सेम निकली बहुत सारी पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों, कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल और SI के पदों पर BSF ने भर्ती की नोटिफिकेशन जारी की है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी भर्ती से संबंधित आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं शिवा ऑनलाइन क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये है दोस्तों, देखिए आप वो नोटिफिकेशन जो कि BSF की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों, कौन कौन सी पोस्ट के लिए जो है वो कितनी वैकेंसीज हैं और कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जारी किए गए हैं BSF की तरफ से, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, पोस्ट होगी सब इंस्पेक्टर की, उसके बाद में होगी सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर, दूसरी होगी सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप, और तीसरी है दोस्तों हेड कांस्टेबल मास्टर, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर और हेड कांस्टेबल वर्कशॉप। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कांस्टेबल की पोस्ट भी दी गई हैं जो कि ये है कांस्टेबल क्र्यू। ठीक है, तो ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों ही ग्रुप में यहाँ पर BSF की तरफ से भर्ती निकल चुकी है। कौन सी पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए हैं, पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। अगर आप इस नोटिफिकेशन के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम आगे, जिसमें मैं आपके लिए बताऊँगा कि यहाँ पर इसकी जो एज लिमिट होगी वो क्या होगी। तो ट्रेड वाइज बताऊँगा, वीडियो बहुत ही सिंपल होने वाली है दोस्तों, बहुत ही अच्छे और आसान शब्दों में मैं आपके लिए इस भर्ती से संबंधित एक एक डाउट आपका क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप SI मास्टर, SI इंजन ड्राइवर, SI वर्कशॉप में अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब सब इंस्पेक्टर के आप मास्टर, इंजन ड्राइवर या फिर वर्कशॉप किसी भी पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपकी जो एज लिमिट होगी वो होगी आपकी 22 से 28। ठीक है, लेकिन SI वर्कशॉप में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज लिमिट 20 से 25 साल होगी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों ये तीन पोस्ट रह जाती हैं, चार, हेड कांस्टेबल मास्टर, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर और हेड कांस्टेबल वर्कशॉप और कांस्टेबल क्र्यू। इन चारों पोस्ट के लिए, पोस्ट में से आप किसी भी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 20 से 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम वीडियो के अगले पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आपसे एजुकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, बहुत ही मेन पार्ट है दोस्तों। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इस भर्ती के लिए क्या क्या एजुकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं, तब तक आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, सब इंस्पेक्टर मास्टर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों, सेकेंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट इशूड बाई दी सेंट्रल और स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। ठीक है, तो आपके पास में ये जो है वो सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। उसके बाद में दोस्तों आता है सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर। तो सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वही सेम है दोस्तों, 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए और फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होना आपके पास में जरूरी है। ठीक है, किसी भी वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। अब चलते हैं दोस्तों आगे, सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप। तो सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप के पोस्ट पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आपके पास में बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होनी जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास में बैचलर डिग्री होनी जरूरी है, उसके बाद में दोस्तों 3 ईयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल और मरीन और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में होना चाहेंगे। ठीक है, 3 साल का आपके पास में जो है ये डिप्लोमा होना चाहेंगे। अब चलते हैं दोस्तों हम आगे, हेड कांस्टेबल मास्टर। तो अगर आप हेड कांस्टेबल मास्टर की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको 10th क्लास जो है वो यानी कि मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और सिरंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट दोस्तों रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट है दोस्तों हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर। तो हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर के पद पे अगर आप दोस्तों अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम आपको 10th क्लास पास होना चाहिए, प्रोसेसिंग 2nd क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, मतलब आपके पास में 2nd क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप। तो हेड कांस्टेबल वर्कशॉप की पोस्ट पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों तो आपको 10th पास होना जरूरी है
और उसके बाद में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डिप्लोमा इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, ठीक है। तो आपके पास में जो है कि रिस्पेक्टिव ट्रेड यानी कि वर्कशॉप के अंदर जिस ट्रेड में आप भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उस ट्रेड के पास, उस ट्रेड का आपके पास में डिप्लोमा होना जरूरी है। अब चलते हैं दोस्तों आगे, और आज की ये लास्ट पोस्ट है कांस्टेबल ट्रू। तो कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास में जो सबसे पहले डिग्री क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो आपके पास में दोस्तों 10th पास होना चाहिए आप, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन ऑफ बोट बिलो 265 हॉर्स पावर्स, ठीक है। तो एक साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए बोट को ऑपरेट करने का, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों आपके पास में शुड नो स्विमिंग इन डीप वाटर विदाउट एनी असिस्टेंस, ठीक है। तो आपके लिए स्विमिंग आनी चाहिए डीप वाटर में विदाउट एनी असिस्टेंस, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड की तरफ, लेकिन इस फिजिकल स्टैंडर्ड को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अगर तक वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होगा वो क्या होगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अगर आप शेड्यूल ट्राइब्स या फिर आदिवासी स्टेट के रहने वाले हैं तो आपकी जो हाइट होगी वो 160 सेंटीमीटर सभी पोस्ट के लिए, और आपकी जो चेस्ट होगा वो अनएक्सपेंडेड मतलब बिना फ्लाई 73 और फुलाने के बाद में 78 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। उसके बाद में दोस्तों आप पर्सनल बिलोंगिंग टू हिल एरियाज ऑफ गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लेह, लद्दाख और नॉर्दर्न स्टेट्स के रहने वाले हैं, या फिर स्टेट ऑफ केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, यूनियन टेरिटरी, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, दमन, दीव, अंडमान निकोबार, आइसलैंड के रहने वाले हैं अगर, तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 162.5 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। उसके बाद दोस्तों 75 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक आपका जो है वो चेस्ट होना जरूरी है। अब दोस्तों इसके बाद में जो पूरी इंडिया बची इन स्टेट्स को और आदिवासीज को निकालकर, उनके लिए हाइट की जरूरत होगी 165 सेंटीमीटर, सीना जो है वो चेस्ट आपका 75 से 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे अच्छे तरीके से, मैं आपको समझाने के लिए लेके चलता हूँ एक ऐसे सेक्शन पर जहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, समझना कि आपकी एज लिमिट बता दी मैंने, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दी, लेकिन फॉर्म कब से अप्लाई होंगे वो अभी तक मैं आपको नहीं बताया है। तो फॉर्म कब से अप्लाई होंगे दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए सरकारी रिजल्ट पे भी अपडेट हो चुका है और मैंने इसको ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है। आज ही 30 मई 2022 के लिए 12:55 पर ये अपलोड किया गया है। देखिए दोस्तों अब इस भर्ती में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आज 30 मई 2022 से 28 जून 2022 के बीच में आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 30 मई से 28 जून के बीच में आप जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही बताऊंगा मैं आपके लिए, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को फिनिश करने से पहले एक चीज़ आपको और बता दूं, आपका फिजिकल इफिशेंसी जो टेस्ट होगा उसमें आपको 1 मील की रेस होगी 8 मिनट में, हाई जंप होगी 3 फीट 6 इंच 3 अटैम्प्ट आपको दिए जाएंगे, लॉन्ग जंप होगी 11 फीट की, ठीक है, इसमें भी आपको 3 अटैम्प्ट दिए जाएंगे। तो यह है दोस्तों इस भर्ती से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी जानकारी। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप इस नोटिस के लिए, इस नोटिफिकेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, और वीडियो को फिनिश करने से पहले आपको बता दूँ कि इस भर्ती से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे बिल्कुल डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।